एक बात आपने ध्यान में आया होगा कि इस राज्य की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, एक पर्सन ड्रिवन स्टेट नहीं है। बाहर कुछ भी इंप्रेशन क्यों ना हो लेकिन सर पॉलिसी ड्रिवन स्टेट और एक विजन के साथ टीम चर्चा करती है, उसमें से पॉलिसी फ्रेमवर्क बनता है। और जब हम पॉलिसी लेकर जाते हैं तो स्वाभाविक लोग उसमें जुड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं उनको लगता है ये अगर ये नॉर्म्स हैं तो हमें इतना फायदा होगा कोई भी आएगा। दूसरी विशेषता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में भी जैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी ट्रांसपेरेंसी, नॉर्मली सरकार का स्वभाव क्या होता है, सरकार में भी डिपार्टमेंट का भी स्वभाव क्या होता है, डिपार्टमेंट में भी ये टेबल वाला कोशिश करता है उधर टेबल वाले को पता नहीं चले, ये बेसिक नेचर है। इवन आपके हाउस कॉर्पोरेट हाउस में भी एक मुलाजिम होगा वो नहीं चाहेगा दूसरा बताए, वो चाहेगा बॉस को खुद ही बताए, नेचर रहता है। हम क्या करते हैं कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी होती है उसको हम ऑनलाइन कर देते हैं, नो सीक्रेसी, और लोगों को कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो डिबेट करना है करिए इस पर। और उसके कारण हमारी जो सोच होती है उसमें कुछ कमियां हैं तो वो भी बाहर आ जाती है। अगर हमारा कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट एंगल है ड्राफ्टिंग के समय तो वो भी खुल करके आ जाता है और सभी क्रॉस सेक्शन पर लोग उसमें इनपुट करते हैं, फिर हम उस पर बैठते हैं दोबारा और फिर पॉलिसी बनाते हैं। और वो बाय लाख सब को एक्सेप्टेड होती है, ज्यादातर मेरे यहाँ उसका विवाद नहीं होता है, ऐसा करते वैसा होता, वैसा करते वैसा होता, कोई होता है करने से पहले मेहनत बहुत होती। जैसे मैं अभी एक काम पे लगा हूं